नमस्कार, मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज 81 एंटरटेनमेंट। आइए ले चलते हैं आपको एक विशेष रिपोर्ट की तरफ। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। 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 भारतीय सेना जिंदाबाद। भारतीय सेना जिंदाबाद। सीआरपीएफ जिंदाबाद। ये बहुत अच्छी पहल है लायंस क्लब की, RWA साउथ रजौरी वालों की बहुत अच्छी पहल है ये कि पूरा देश एक साथ खड़ा है, पूरी मार्केट है और काफ़ी लोग इकट्ठे हैं। ये एक अच्छा संदेश जाता है कि पूरा देश एक है और हम आतंकवाद की निंदा करते हैं। ये आगे ना हो इसके लिए सभी को हमें बड़ा सतर्क होकर आसपास में पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। हमने किराएदारों का वेरिफिकेशन, नौकरों का वेरिफिकेशन और आसपास पूरा सतर्क रहना पड़ेगा, ऐसा मैं संदेश सबको देता हूँ। लोग अलर्ट रहें, सब इकट्ठा रहें और बिल्कुल आसपास सतर्क रहें और ध्यान रखें अपना। अड़ोस पड़ ये INDS जो कोई इन्फॉर्मेशन है हमें बताएं, हमारे छोटे छोटे प्रोग्राम चलते रहते हैं। अभी बहुत अच्छा प्रोग्राम ये लोग करने जा रहे हैं, CCTV लगवा रहे हैं साउथ रजौरी में, मेन मार्केट में ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो कोई सस्पिशियस होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें दें, हम उस पर पूरी कार्रवाई करेंगे। भाईचारा बना रहे, भाईचारा बहुत अच्छा जो है संदेश ही आया है और सभी एक हैं और पूरा देश इसमें इकट्ठा हुआ है। पूरा रजौरी जो है, पूरा थाना, कई जगह से मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है कि कैंडल मार्च कर रहे हैं। इनका बहुत अच्छी पहल है ये। जो हमारे CRF के जो 38 बंदे शहीद हुए हैं, हमारे भाई शहीद हुए हैं, बच्चे शहीद हुए हैं, उनके लिए निकाली है। देखिए, हमारे दुनिया के अंदर हमारा देश इतना बड़ा है कि हमारी गवर्नमेंट चाहे तो एक मिनट में जवाब दे सकती है। मैं अपने सारे लीडरों को यह कहूँगा, जैसे 71 में 65 में सारे इकट्ठे होके एक आवाज़ उठाई थी, उसी आवाज़ के साथ हमें इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हमारा कोई शहीद जो आर्मी का होता है वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हमें चाहिए कि एक ऐसी आवाज़ जो आज उठाई गई है पूरे हिंदुस्तान में पहुंचे, हर मंत्री तक पहुंचे, हर संसद तक पहुंचे कि हम उनके साथ हैं। वो कोई भी एक्शन लेंगे उनके साथ रहेंगे। हमारे स्वतंत्रता, हम किसी की इंटरनल मैटर दखल नहीं करते, लेकिन हम ये भी नहीं चाहेंगे कि कोई दूसरा मुल्क, दूसरा आदमी हमारे कंट्री के अंदर आके अपनी इंटरफेरेंस करे और हमारे आदमी जो शहीद हैं, जो हमारे आर्मी हैं, उनके उनकी शहीदी उनकी शहादत हो। हमारा हम हिंदुस्तानी हैं, हर हिंदुस्तानी एक भाईचारे में जीता है। सिर्फ पॉलिटिकल से उठ के हमें आना पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टी उठ के आना पड़ेगा हमें। कोई भी देश के अंदर कोई आपदा आती है, पूरा देश आता है। अगर आपको याद होगा, जब 65 की 71 जंग हुई थी, जो बॉर्डर था पंजाब था, जितनी हमारी वहाँ पे छोटी बहनें, हमारी बहनें थी, वो उठ के बॉर्डर जाती थी, प्रात तू बंदूक मुड़ दे, तू खाना खाना है, मैं गोली चलानी है। हमें वो चाहिए जज्बा। वो जब तक हमारे अंदर वो जज्बा नहीं आएगा, ये काम हम हासिल नहीं कर पाएंगे। हमारा आज का सारों का एक ही मकसद है कि ये आवाज़ पूरे पॉलिटिकल तक पहुंच जाए, विधानसभा, पार्लियामेंट पहुंच जाए, राज्यसभा पहुंच जाए कि देश इकट्ठा है, आपको सब कदम उठाना है। ये जो कैंडल मार्च हम लोग निकाल रहे हैं, ये सिर्फ हम कैंडल मार्च निकालने के लिए एक अपना एक रोष प्रकट कर रहे हैं कि जो ये हमारे भारत देश के सैनिक जो हैं, जो CRPF के जो सैनिक मारे गए हैं, 42-43 सैनिक मारे गए हैं, आज ये इसको ये इस प्रकार से देखा जाएगा कि ये जितने भी सैनिकों के ऊपर या तो पत्थरबाजी हो रही है या कोई गोलीबारी हो रही है या कोई दो चार बंदे आते हैं उग्रवादी आते हैं और वो पूरे का पूरा उद्यम बढ़ा के चले जाते हैं। और मेरे हिसाब से हमारे देश के प्रधानमंत्री को या जो हमारे जितने भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको ये करना चाहिए कि जैसे कहते हैं ना कि अगर प्यार से कोई बात करे तो उसे प्यार से बात करनी चाहिए, अगर कोई थप्पड़ से बात करता है उसे थप्पड़ से। आज का युग नहीं है कि आपको कोई थप्पड़ मार के जाए तो आप प्यार से बात करोगे। मैं ये कहता हूँ कि आज की तरीके के अंदर जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो BJP है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे वो कोई भी पार्टी है, इस टाइम पर अपने सारी की सारी राजनीतिक रोटियाँ मत सेको, अपने जितने भी आपके मनभेद हैं, मतभेद हैं, उनको सबको दूर करके एक बारी इकट्ठे हो जाओ। मैं कहता हूं कि आज 132 करोड़ की हमारी अगर आबादी है हिंदुस्तान की, 132 करोड़ की आबादी अगर हम लोग अगर एक एक चांटा भी मारे ना तो यहां पर कोई उग्रवादी नहीं कर सकता।
दूसरी बात यह है कि उग्रवाद का कोई भी धर्म नहीं है, ना वो हिंदू है, ना वो मुसलमान है, ना वो ईसाई है, ना वो क्रिश्चियन है। आज की तरीके के अंदर मैं कहता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब को एक हाथ जोड़ के एक बेनती करना चाहता हूँ मैं, एक कोई ना कोई हमारे देश को अगर बचाना है तो हमारे देश के हर बंदे को इस टाइम पे नेता बनना पड़ेगा। अगर कोई बंदा अगर नेता नहीं बनेगा तो ये वही काम चलता रहेगा, उग्रवादी अपना उग्रवाद चलाते रहेंगे और हम मार खाते रहेंगे। हमारे सैनिकों की क्या हमारे सैनिकों का परिवार नहीं है? क्या हमारे सैनिक बॉर्डर के ऊपर खड़े हुए हैं? हम तो घर में बैठे हुए हैं, हमने तो अभी कैंडल मार्च निकाली और कैंडल मार्च निकाल के हम तो अपने अपने घरों में चले जाएंगे, मगर उन सैनिकों के घर के परिवारों को देखो कि जिनके परिवार खत्म हो गए, जो सैनिकों के परिवारों ने जो घर में छुट्टी में जा रहे थे, घर में उसके बच्चे थे, उसकी बीबी थी, उसकी माँ थी, उसका बाप था, वो घर में उसका इंतजार कर रहा था आज मेरा बेटा आएगा। क्या एक बेटा जो है मरने के लिए तैयार बैठा हुआ है? नहीं। मैं कहता हूं कि अगर आज की तरीके पूरे हिंदुस्तान के अगर बंदे इकट्ठे हो गए, क्या है ये 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 ही तो उग्रवादी होंगे, तो मैं कहता हूं कि सारे के सारे, मैं आज जैसे रजौरी गार्डन की मार्केट के अंदर हम लोग खड़े हुए हैं, अगर कोई यहां पर भी कोई उग्रवाद करता है, एकजुट हो जाओ, आपके अंदर भी कोई मतभेद है छोड़ दो, एक बार देखो कि हमने आज मार्केट के लिए अगर हम लोग संगठन इकट्ठा हुए हैं, आप देश के लिए इकट्ठा हो। आज की तरीके के अंदर मुझे इस चीज़ का इतना गुस्सा है कि कोई छोटे से भी जितने 4, 5, 6 बंदे अगर हमारे पास, अगर इतना बड़ा 42-47 हमारे जितने भी सैनिकों को मार गए, बहुत बड़ा दुख है और इतना हमारे को इतना घाटा हुआ है इन सैनिकों को खोने पर, मैं इसको कुछ भी बयान नहीं कर सकता। मैं सिर्फ ये बोलूँगा, अगर वो कोई गोली मारता है तो उसको गोली मारने का अधिकार होना चाहिए, अगर कोई बंदा थप्पड़ मारता है तो उसको थप्पड़ मारने का अधिकार होना चाहिए। आज की तरीक के अंदर नमस्ते करके, सत श्री अकाल करके कुछ नहीं होना चाहिए। बोले सोनिहाल। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर ना कीजिए और अभी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए अपना चैनल न्यूज़ 81 एंटरटेनमेंट।